Hello and welcome to our YouTube channel Competition Community. I am Ajit Kumar, Faculty of English Language. Today, this is our fourth lecture of Subject of Agreement. तो आज हम लोगों का Subject of Agreement का ये fourth lecture है, चौथा class है, ठीक है? इसके पहले के video sessions में हम लोगों ने forms of verb को देखा, subject को देखा, object and complement को देखा. उसके बाद हम लोगों ने Subject of Agreement के कुछ roles को सीखा. तो आज के क्लास को आगे कंटिन्यू करने के पहले आइए हम लोग लास्ट क्लास यानी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के थर्ड क्लास में हम लोगों ने जो सीखा था उसका एक ग्लिम्स देखते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं हम लोग. तो देखिए लास्ट क्लास में दैट इज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के थर्ड क्लास में हमने आपको बताया था कि द प्लस एडजेक्टिव को हम लोग मानते हैं प्लूरल और उसके बाद आने वाले वर्ब को रखा जाता है प्लूरल. और फिर उसके बाद हमने आपको बताया था इस रूल के आगे कि द प्लस एडजेक्टिव के बाद सामान्य तौर पे नाउन का यूज नहीं किया जाता है, आपको नाउन दिखाई नहीं पड़ता है. लेकिन यदि द प्लस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आए तो वो नाउन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होता है. दैट इज द प्लस एडजेक्टिव के बाद यहाँ आने वाला नाउन यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल. ये नाउन यदि सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर. एंड देन उसके बाद हमने ये कुछ एग्जांपल देखे थे. इसके बाद फिर हमने आपको एनी या वन के बाद यदि ऑफ आए तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है किंतु उसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता है. इस रूल को हम लोगों ने पढ़ा था. इसके बाद फिर हमने आपको बताया था कि इस रूल में, इस रूल नंबर वन में यदि रिलेटिव प्रोनाउन एंटर कर जाए दैट इज हु विच दैट का यूज किया हुआ दिखाई दे तो इस कंडीशन में वर्ब कैसा होता है. इस कंडीशन में हमारा जो वर्ब होता है इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग एग्री करता है, ठीक है? यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था. फिर इसके बाद हमने आपको बताया था कि ये जो वन ऑफ का रूल है इसमें वन के पहले यदि ओनली का यूज कर लिया जाए दैट इज ओनली वन ऑफ यदि आपको दिखाई दे तो उस कंडीशन में यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए अथवा नहीं किया जाए. दोनों ही कंडीशंस में यहाँ आने वाला जो वर्ब है ये हमेशा और हमेशा लिखा जाएगा सिंगुलर. इसके बाद फिर हम लोगों ने इसके कुछ एग्जांपल को देखा था. और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ से नोवन और नन के बारे में पढ़ना शुरू किया था. नन और नोवन दोनों का यूज एक दूसरे के जगह पे किया जा सकता है. नन जहाँ यूज किया जा सकता है वहीं पर नोवन का यूज किया जा सकता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? किंतु उनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगुलर. लेकिन नन के बाद यदि ऑफ आ जाए तो उस ऑफ के बाद आने वाला नाउन जैसा होगा दैट इज जो सब्जेक्ट होगा वो जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेगा, ठीक है? उसके बाद हमने आपको बताया था नन बट, नन बट के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन दैट इज जो सब्जेक्ट होता है वो जैसा रहता है वैसा वर्ब लेता है. इसके बाद फिर हमने इन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल आपको दिए थे. इसके बाद हम लोगों ने नथिंग बट के बारे में पढ़ा था. नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल हो तो वो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर लेगा. नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन यदि अनकाउंटेबल हो तो वो सिंगुलर होगा, वर्ब लेगा सिंगुलर. दैट इज कि यदि नथिंग बट के रेफरेंस में हम लोग वर्ब की बात करें तो वो हमेशा और हमेशा रहता है सिंगुलर. नेक्स्ट फिर इस देयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस देयर के बाद यदि कोई वर्ब आता है तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो देयर नहीं होता है बल्कि इस प्रकार के सेंटेंसेस में इस वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है इस वर्ब के तुरंत बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है. दैट इज कि इस सेंटेंस में वो सेंटेंस जो देर से शुरू होता है इसका सब्जेक्ट इस वर्ब के बाद यूज किया जाता है और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब एग्री करता है. तो ये काफ़ी आसान सा रूल था. उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पर नाउन आए और दोनों नाउन यदि सेम हो तो दोनों ही नाउन हमेशा और हमेशा होता है सिंगुलर और तब उस कंडीशन में उसके साथ आने वाला वर्ब भी लिखा जाता है सिंगुलर. किंतु यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आए और दोनों ही नाउन डिफरेंट हो दैट इज प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन लिखा हो प्रेपोजिशन के बाद वही नाउन रिपीट नहीं किया हो इन दैट कंडीशन वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट वर्ब. तो इस प्रकार के कंडीशन में ये जो हमारा वर्ब होता है ये वर्ब एग्री करता है फर्स्ट वाले नाउन के अकॉर्डिंग. दैट इज फर्स्ट वाला नाउन यदि हमारा सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर और फर्स्ट वाला नाउन यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल. नेक्स्ट इसके आगे फिर हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन के रूल को लास्ट में कि यदि कोई फ्रैक्शन लिखा जाए आप फ्रैक्शन को ऐसे चाहे डिजिट में लिखें या ऐसे वर्ड में लिखें
तो इनके बाद ये जो प्रेपोजिशन ऑफ का यूज़ किया गया होता है, इस प्रेपोजिशन ऑफ के बाद आने वाला नाउन जैसा होगा, दैट इज़ फ्रैक्शनल पार्ट के बाद या किसी फ्रैक्शन के बाद आने वाले प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका वर्ब एग्री करता है। दैट इज़ कि यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल, ये यदि सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। तो यहाँ तक था हम लोग का लास्ट क्लास। तो आइए आज के क्लास को हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं कि आगे हम लोग, और अब यहां से हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखिए, ये जो फ्रैक्शन का रूल है, यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था, जिसके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे, और यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए थे। तो अब आज के क्लास को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये सबसे आसान सा रूल है, सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट है कि नाउन या प्रोनाउन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होता है। यही बात हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हमने शुरू किया था आपको पढ़ाना, तब हमने आपको बताया था लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, दैट इज कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही चीज़ होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। ये बातें हमने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब होगा, दैट इज ये जो नाउन या प्रोनाउन है, ये यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है तो ये यदि सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, ये यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ तक में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, इसके आगे के सेक्शन यानी रूल नंबर 14 से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना शुरू होता है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ और सीखें कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न क्यों होता है और इसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। तो देखिए, यदि हम आपसे बोले ये 420, तो यदि हम आपसे पूछे बताइए ये 420 क्या है, तो सिंपली हम लोग समझते हैं कि चूंकि एक से ज़्यादा का सेंस ये एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए ये प्लूरल है। बट ऐसा नहीं है, इसका यूज़ पे सब कुछ डिपेंड करता है। दैट इज सेंटेंस में इस वर्ड का, इस नंबर, इस डिजिट का यूज किस प्रकार से किया गया है, ये उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 420 पेन्स, 420 कलमें, अब यही क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब इसके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लूरल। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, अगले सेंटेंस में हम आपको लिख रहे हैं 420 इज अ फेमस नंबर, इज अ फेमस नंबर, इसको थोड़ा करेक्शन करके लिखे हम, 420 इज अ फेमस नंबर, ठीक है, 420 इज अ फेमस नंबर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें यही जो 420 है 420 वैसा है जैसा कि ऊपर यूज किया गया था। इसके साथ यहाँ पे नाउन अटैच था, यहाँ पे नाउन अटैच नहीं है, ये खुद यहाँ पे नाउन का रोल प्ले कर रहा है। अब इसी को हम लोग यहाँ क्या मानेंगे, सिंगुलर। क्यों मानेंगे, इसको सीखिए। इफ अ नंबर और डिजिट, इफ अ नंबर और डिजिट इज यूज एज सब्जेक्ट इन अ गिवन सेंटेंस, यदि किसी भी दिए हुए वाक्य में किसी नंबर या डिजिट का प्रयोग उस वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाए तो उसको हम लोग मानते हैं सिंगुलर, और उस केस में हम लोग उसके साथ वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर। इस बात को ठीक से समझें, तो चूंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, किसका रोल प्ले कर रहा है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब यूज करेंगे सिंगुलर, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसके आगे कुछ और चीजों को हम लोग सीखें, चलते हैं नेक्स्ट पेज में हम। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है, जैसे हम लोग यूज करते हैं किलोमीटर, अब इसका प्लूरल यूज करना हो तो किलोमीटर से हम लोग यूज कर लेते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, तो ये सारे के सारे हैं मेजरमेंट के यूनिट, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट भी दो प्रकार के, जैसे आप बचपन से पढ़े स्कोर, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन एट्सेट्रा, तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके लास्ट में हम लोग जनरली ऐसे इसका यूज नहीं करते, कब करते कब नहीं करते ये भी हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे
आपको यहाँ पे लिखा गया हो फाइव, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ फाइव लिखा है, तो आप डजन्स का यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, आइए हम लोग इसको भी थोड़ा सा इन अ ब्रीफ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ये यदि डजन लिखा हुआ है, इसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन यूज नहीं किया गया है, इसके पहले यहाँ पे कोई नंबर या डिजिट नहीं आया है, कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं आया है, तो इसका क्या करते हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझे। इसके बारे में हम सबों को बचपन से ये बताया गया है, आप भी जानते हैं कि इसको डजन, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड एट्सेट्रा, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, इनके पहले यदि कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव आए, कोई नंबर या डिजिट आए, ठीक है, आप यदि न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं समझ पाते तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप सिंपल से भाषा में समझिए कि जो इसको डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, इस तरीके के जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज किए जाते हैं, इनके पहले यदि कोई संख्या या अंक यहाँ पे प्रयोग किया गया हो, चाहे वो डिजिट में लिखा जाए या इस फाइव को हम ऐसे लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स के पहले यदि कोई नंबर या डिजिट आए, तो इनके लास्ट में सी एस नहीं लगता, जैसे कि हम यहाँ फाइव डजन्स नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइव डजन ही लिखना होगा, ठीक है। लेकिन यदि इनके पहले किसी नंबर या डिजिट का प्रयोग नहीं किया गया हो, तो ये अकेला नहीं आ सकता, इसमें हमेशा एस सी एस लगा हुआ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखिए, ये सारे जो थे आपके ऐसे मेजरमेंट यूनिट थे जिसका यूज हम लोग करते हैं पीस को काउंट करने के लिए, ठीक है, जैसे बनाना वगैरह को हम लोग डजन में काउंट करते हैं, बात समझ में आ रही है। जैसे दिवाली में आप मिट्टी का दिया खरीदते हैं, तो उसको हम लोग 100 कैरेट से खरीदते हैं, क्या रेट है भाई, तो वो जो मिट्टी का दिया या बर्तन बेच रहा हो वो आपको बताता भी है, इतने रुपए का 100 पीस, ठीक है, यानी सैकड़ा के हिसाब से वो आपको बताता है। अब यहाँ जरा देखिए, ये जो किलोमीटर है आप लिखते हैं लीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी मेजरमेंट के यूनिट हैं, लेकिन ये ऐसे मेजरमेंट के यूनिट हैं, ये ऐसे मेजरमेंट के यूनिट हैं जिनका प्रयोग किसी पीस को काउंट करने के लिए नहीं किया जाता है। इनका यूज नॉन पीस वाले चीजों को मेजर करने के लिए, काउंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इनका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जैसे ये मान लीजिए लीटर हमने लिखा है, तो लीटर हम फिर से एक बार यहाँ भी लिखते हैं। अब लीटर के पहले यदि हम यहाँ फाइव लगाएंगे, तो इसके लास्ट में एस लगाएंगे। लीटर के पहले यहाँ कुछ नहीं लगा है, कोई भी नंबर या डिजिट नहीं आया है, तो ये लीटर ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम वन लिख दें ऐसे, या ए एन का यूज़ कर लें, तो ए एन का यूज़ करेंगे तो भी इसमें एस एस नहीं लगा। तो ये बात तो समझ में आती है कि वन है या ए एन है, ये सिंगुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये सिंगुलर रहेगा, बातें समझ में आ रही है। तो चलते हैं इसे थोड़ा सा आगे हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे ये किलोमीटर है, तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे 20, तो 20 किलोमीटर नहीं लिखना होगा, अब हमें क्या लिखना होगा, किलोमीटर्स, ये बात समझ में आ गई। अब ये 20 किलोमीटर्स अपने आप में प्लूरल नंबर है या डिजिट है या मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। लेकिन यदि इसका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, किस रूप में किया जाए, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाए, तो फिर से इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग इसको फिर से मानेंगे सिंगुलर, और तब इस कंडीशन में यहाँ पे इसके साथ यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब कैसा यूज किया जाएगा, तो ये वर्ब यूज किया जाएगा सिंगुलर, कैसा वर्ब यूज किया जाएगा, सिंगुलर, बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़े हम लोग, अब इनका कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लेते चले। तो ये था हमारा स्लाइड का एक रूल, यहाँ पे नंबर या डिजिट प्लस नाउन प्लस वर्ब, ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लेते हैं, फिर सबों के क्वेश्चन को हम लोग एक साथ सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट है कि ये सम ऑफ हो, सम के साथ ऑफ लगा हो, ऑल के साथ ऑफ लगा हो, प्लेंटी के साथ ऑफ लगा हो, ठीक है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, इन तीनों का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा, सब मतलब कुछ, ऑल मतलब सब का सब, प्लेंटी मतलब सफिशियंट, ठीक है। तो इन सबों का कॉन्सेप्ट ये है
कि इनके बाद यहाँ जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, अब सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, तो इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब इसके साथ यूज किया जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा दैट इज जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल, और वो यदि सिंगुलर होगा कैसा होगा, सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इन सारे रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ से फटाफट सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके इनको खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए आशा करते हैं कि अब तक आपने इनको सॉल्व कर लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये 10 माइल्स, और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें वर्ब की जरूरत है। दैट इज ये किसका काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। किसका काम कर रहा है ये 10 माइल्स, किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ देखिए ये 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स। अब 20 को आप डिजिट में लिखे या ऐसे नंबर में लिखे, बात एक ही है। अब फिर से ये किसका काम कर रहा है, तो ये काम कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट का। ये किसका काम कर रहा है सेंटेंस में, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट का काम कर रहा है इसलिए इस केस में भी इसको मानेंगे सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हम इस वर्ड का यूज कर रहे हैं। इस 20 किलोमीटर्स के केस में भी इस 20 किलोमीटर को हम लोग क्या मानेंगे, तो इसको हम लोग मानेंगे सिंगुलर। और चलिए यहाँ पे दो ही क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हमारा जो वर्ब होगा कैसा होगा, सिंगुलर। तो सबसे पहले प्लूरल के जितने ऑप्शंस हैं ये सारे कैंसिल। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बोर्ड को क्लीन करें। नीचे वाले क्वेश्चन में चलिए, यहाँ पे हमें वर्ब कैसा चाहिए था, सिंगुलर। तो सबसे पहले कि यहाँ पे जो गिवन वर्ड है वो रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखें, यहाँ आर का यूज़ किया गया, इसलिए ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब ये क्या, सिंगुलर, ये क्या, सिंगुलर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब इन्हीं दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में चूंकि यहाँ नॉट लगा हुआ है, और ऑप्शन नंबर ए में नॉट का यूज़ नहीं किया गया, नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, तो हम सेंटेंस के मीनिंग को चेंज नहीं करते हैं। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमारा काम होता है कि जिस सेक्शन में एरर है सिर्फ और सिर्फ उस सेक्शन को इम्प्रूव करना होता है। ठीक है, न कि रिमेनिंग वर्ड्स को रिमूव करना होता है, या उस सेंटेंस के मीनिंग को या उसके सेंस को चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, ये कैंसिल हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ, ये सारे उसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग प्लेंटी, अब प्लेंटी को हम लोग समझते हैं, और प्लेंटी पे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्लेंटी ऑफ मिल रहा है हमें, और इस क्वेश्चन में कोई प्लेंटी ऑफ नहीं है, यहाँ पे सिंपली इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन का यूज़ किया गया। अब देखिए इट को हम सब लोग बचपन से जानते हैं, इट कैसा होता है भाई, तो सिंगुलर होता है। और इसके साथ हम लोग वर्ब कैसा यूज़ करते हैं, तो सिंगुलर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ये प्लूरल कैंसल, ये प्लूरल कैंसल, अब या तो हैज होगा या तो इस होगा। अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए, इट डैश सीला एंड शिल्पा हु कैन पुट द स्टेज ऑन फायर, तो यहाँ पे इट हैज़ का यूज़ नहीं किया जाता है, यूज़ किया जाता है इट इज़। ये शिल्पा और सीला ही हैं जो स्टेज पे आग लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, तो 4 में हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए डिपेंड में हमें क्या करना होगा, एस लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये दोनों तो बहुत आसान से थे, अब चलते हैं हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, ये प्लेंटी ऑफ है, प्लेंटी ऑफ के बाद ये जो नाउन आ रहा है ये कैसा है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब ये हो गया सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर, तो इसलिए हैव की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, हैव की जगह हम यूज़ करेंगे हैज़ का। क्लियर, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में देखिए, अब प्लेंटी ऑफ, फिर से देखिए प्लेंटी ऑफ आ गया, प्लेंटी ऑफ के बाद ये देखिए जो नाउन यूज़ किया गया ये कैसा है, प्लूरल है, तो प्लेंटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन जैसा होता है वैसा वर्ब लेता है, तो चूंकि ये नाउन है प्लूरल इसलिए इसके साथ हम लोग वर्ब यूज करेंगे इज की जगह आर। तो यदि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो बोर्ड को क्लीन किया जाए और चलते हैं यहाँ से आगे।
अब हम लोगों को अगला रूल पढ़ना है। अगला रूल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है वो है रूल नंबर 16। अब ये रूल नंबर 16 क्या कहता है इसको हम लोग समझें। देखिए यहाँ पे आपको कुछ वर्ड गिवन है। अब ये वर्ड जो गिवन है इनको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ये बेहद इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जो या इन रूल का इन वर्ड्स का यूज़ करके हम लोग दूसरे शब्दों में कहें कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे ही जाते रहेंगे। अब ये क्या है इनको थोड़ा हम लोग समझने का डिटेल में प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग बोर्ड की तरफ। देखिए अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कोई भी दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट ये हो दूसरा सब्जेक्ट ये हो, ठीक है, ये दो सब्जेक्ट इस तरीके से हम लोगों को गिवन हो और किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में एज वेल एज का यूज़ किया जाए, एज वेल एज विथ टुगेदर विथ टुगेदर विथ अलोंग विथ लाइक अनलाइक लाइक अनलाइक फिर बिसाइड्स बिसाइड्स एंड नॉट रैदर देन एकॉम्पेनिड बाई। कलर थोड़ा सा हम चेंज नहीं करते हैं, सेम रखते हैं, थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं। रैदर देन इन एडिशन टू एकॉम्पेनिड बाई लेड बाई गवर्न्ड बाई। ऐसे कुछ वर्ड यदि किसी भी दो सब्जेक्ट के बीच में आपको दिखाई दे, ठीक है, ऐसे कोई भी शब्द यदि आपको किसी भी दो सब्जेक्ट यानी दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में दिखाई दें, तो इस कंडीशन में यहाँ आने वाला जो वर्ब होता है वो एग्री करता है इस पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस दूसरे वाले सब्जेक्ट से इस वर्ब को कोई लेना देना नहीं होता है, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब हम में से ज़्यादातर लोग एरर कहाँ करते हैं, तो हम सबों का एक कॉमन माइंडसेट बना हुआ है, वो माइंडसेट ये है कि जहाँ कहीं भी वर्ब गिवेन होता है उस वर्ब के ठीक पहले जो सब्जेक्ट दैट इज जो भी नाउन या प्रोनाउन आपको दिखाई देता है आप इस वर्ब को इसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, ठीक है, और आपके इसी इमोशन के साथ यहाँ पे खेला जाता है, इसी इमोशन के साथ आपको एक्सप्लॉयट करने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जो दोनों सब्जेक्ट हैं बोथ सब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट टू बी बोथ सब्जेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट टू बी इधर सिंगुलर और प्लूरल। इसको ठीक से समझिए, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो दो सब्जेक्ट होते हैं जो ऐसे वर्ड से जुड़े होते हैं इनमें से पहला प्लूरल हो सकता है और जो दूसरा है ये प्लूरल हो सकता है, दैट इज दोनों का दोनों प्लूरल हो सकता है। पेन के कलर को थोड़ा चेंज करते हैं, ये सिंगुलर हो सकता है, ये भी सिंगुलर हो सकता है। फिर हम इसके बाजू में लिखना शुरू करते हैं, ये प्लूरल हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है। एस फॉर सिंगुलर, पी एल फॉर प्लूरल हम लिख रहे हैं, ये प्लूरल हो सकता है, सॉरी, ये सिंगुलर हो सकता है और ये प्लूरल हो सकता है, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, दोनों का दोनों सिंगुलर हो सकता है, दोनों का दोनों प्लूरल हो सकता है, दोनों में से कोई एक सिंगुलर हो सकता है, कोई दूसरा प्लूरल हो सकता है। इससे हमें कहीं कोई एतराज नहीं है, इससे ग्रामर में कहीं कोई मतलब असुविधा क्रिएट नहीं होती है। बस आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो प्रॉब्लम यहीं पे है कि ये जो वर्ब होता है इस वर्ब को किसके अकॉर्डिंग रखना है। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे वो वर्ब किससे एग्री करेगा,
ऐसे वर्ड के ठीक पहले यहाँ जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये यदि सिंगुलर होगा देन द वो विल बी सिंगुलर, और ये यदि प्लूरल होगा देन द वो विल बी प्लूरल। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और इन रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये बेहद इम्पॉर्टेंट रूल है और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आया करते हैं। सामान्य तौर पे अक्सर ये रूल हम सबों को दिखाई देता है और इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर हम लोगों को देखने को सॉल्व करने को मिलते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये जो क्वेश्चन है ये श्यामा है, यू दो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए और दोनों को किससे कनेक्ट किया गया है, एंड नॉट। अब यहाँ पे हमें वर्ब का यूज करना है, यहाँ जिस वर्ब का यूज करना है ये किसके अकॉर्डिंग होगा, श्यामा के अकॉर्डिंग। श्यामा कैसी है, सिंगुलर, तो हैव नहीं होगा, आर नहीं होगा, या तो इज होगा या तो हैज होगा। तो इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज तब करते हैं जब सेंटेंस पैसिव में हो। चूंकि सेंटेंस यहाँ पे पैसिव में नहीं है, चूंकि ये जो सब्जेक्ट है ये उस काम को खुद ही कर रहा है, तो यदि कोई सब्जेक्ट किसी काम को खुद से करता है तो उस सब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं एक्टिव में। किस में रखते हैं, एक्टिव में रखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, वर्ब होगा सिंगुलर, तो वर्ब तो या तो इज होगा या तो हैज होगा। यहाँ तक हम लोग डिसाइड कर चुके हैं, हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इज एम आर के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म तब यूज करेंगे, इज एम आर के साथ हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म तब यूज करेंगे जब पैसिव होगा। लेकिन ये सेंटेंस एक्टिव है इसलिए इज कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या बना है, ऑप्शन नंबर ए, हैज। ठीक है, चलिए बोर्ड को क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सी लाइक, देखिए फिर से ये क्या मिल गया, लाइक, लाइक के पहले क्या है, सी, और फिर अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे है। अब हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, तो लाइक के पहले जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग, लाइक के पहले जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर, तो वर्ब लिखा सिंगुलर, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब फिर से वही बात, वॉज वर होगा तो वॉज वर के साथ ये देखिए वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म यूज होगा नहीं, थर्ड फॉर्म तभी यूज होगा जब सेंटेंस पैसिव में होगा। ठीक है, शेल्टर लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द टाउन। तो अब आप देखिए, सी किसी काम को खुद से कर रही है या उस काम से या किसी काम से वो खुद प्रभावित हो रही है। सी लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो खुद अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के तरह लेफ्ट शेल्टरलेस, वो भी बेघर हो गई। तो बेघर खुद से नहीं होती है, कोई और करता है। तो यानी कि हमारा हैज आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा वॉज, सी वॉज लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस कहाँ चला गया, पैसिव में चला गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग और आगे इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए अलोंग विथ, अलोंग विथ के पहले देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कमांडर सब्जेक्ट है, ऑल हिज सोल्जर्स, अब ये देखिए प्लूरल है और ये देखिए सिंगुलर है। हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें बस ये देखना है कि अलोंग विथ के पहले क्या आया है, जो भी सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। चूंकि ये प्लूरल है, सॉरी, चूंकि ये कमांडर कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए वो अब कैसा लेगा, सिंगुलर। तो यहाँ वर की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वॉज का। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैप्पी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर विथ, अभी देखिए ये फिर से लगा हुआ है विथ, विथ के पहले ये प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे हैं, सिंगुलर। मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, ये देखिए द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट, द मेंबर्स ऑफ हिज कैबिनेट। तो विथ के पहले जो सब्जेक्ट आया है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो वो अब कैसा लेगा, सिंगुलर। इसलिए आर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, आर की जगह यूज करेंगे इज का। क्लियर, तो अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग कि इसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल कौन सा था। तो नेक्स्ट रूल है हमारा डिटर्मिनर प्लस नाउन प्लस एंड प्लस डिटर्मिनर प्लस नाउन, मतलब दो डिटर्मिनर हो दो नाउन हो उनके बीच क्या रिलेशन है,
इनका क्या ग्रामर का रूल है। तो आइए हम लोग इनको समझना शुरू करते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। अब देखिए इसमें समझना क्या है, बड़ा सिंपल सा ये भी रूल है कि कोई भी दो नाउन हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो मोहन, ठीक है, और इसको एंड से जोड़ दिया जाए, यहाँ पे मान लीजिए लिखा हो सोहन, ठीक है, ये रूल आप जानते हैं बचपन से। और किसी भी डिटर्मिनर का, डिटर्मिनर का मतलब पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, डिटर्मिनर का मतलब आर्टिकल भी होता है। तो अभी यहाँ पे हम लोग आर्टिकल के रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का यूज इस रेफरेंस में नहीं हो पाता। इस रेफरेंस में प्रॉपर नाउन का जब यूज करेंगे तो हम लोगों को पॉसेसिव एडजेक्टिव का यूज करना होता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग किसी कॉमन नाउन का यूज करते हैं, किसी पोस्ट का, डेजिग्नेशन का यूज करते हैं। जैसे जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड फादर। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये प्रिंसिपल साहब हैं और ये फादर हैं। अब ग्रामर का रूल ये कहता है कि यदि आर्टिकल का प्रयोग, यहाँ पे किसी आर्टिकल का प्रयोग किया जाए, यदि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग ऐसे दो नाउन के पहले किया जाए, इसको दूसरे शब्दों में हम लोग फिर से समझें, यदि कोई भी दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो और आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले किया जाए, फर्स्ट वाले नाउन के पहले किया जाए, देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब कैसा होगा, तो ये वर्ब होगा सिंगुलर। कैसा वर्ब होगा, तो ये वर्ब होगा सिंगुलर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको भी हम लोग समझें, लेकिन इनको समझने के पहले हम लोग इसी का जो दूसरा रूल है उसको भी समझ लें, ताकि दोनों के कन्फ्यूजन एक साथ क्लियर हो जाए। अभी देखिए ये फादर आ गए, अब यहाँ जो वर्ब होगा इस वर्ब का क्या होगा, इसको जरा देखिए, पेन का कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं। आर्टिकल का प्रयोग यहाँ भी किया जाए, मतलब जो पहला वाला नाउन हो उसके पहले भी आर्टिकल लगा हो, और जो सेकंड वाला नाउन है यहाँ भी आर्टिकल लगा हो, ठीक है। इसको फिर समझिए दूसरे शब्दों में कि यदि कोई भी दो नाउन, यदि कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्ट हो और आर्टिकल का प्रयोग दोनों ही नाउन के पहले किया जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा ये वर्ब होगा प्लूरल। फिर से समझिए, दोनों को कंबाइंड रूप से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और आर्टिकल का प्रयोग दोनों में से सिर्फ पहले वाले नाउन के पहले किया जाए, फर्स्ट वाले नाउन के पहले किया गया हो, देन इससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, इसीलिए इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे वर्ब रखते हैं सिंगुलर। लेकिन यदि कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो, कोई भी दो नाउन एंड से कनेक्टेड हो और आर्टिकल का प्रयोग दोनों ही नाउन के साथ अलग अलग किया गया हो, देन इस कंडीशन में इससे दो व्यक्ति या वस्तु का सेंस एक्सप्रेस होता है, और चूंकि दो का सेंस एक्सप्रेस होता है, एक से ज़्यादा हो गया, इसलिए इसी को मानते हैं प्लूरल और इसके साथ वर्ब यूज करते हैं हम लोग प्लूरल। बात समझ में आई, चलिए। तो अब इस रूल पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, चलते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पे आइए और देखिए इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मेटल्स एंड मिनरल्स, आर्टिकल का प्रयोग किसके लिए किया गया, सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम लोग इसी को मानेंगे सिंगुलर, वर्ब देंगे सिंगुलर। तो ये देखिए सेक्टर है, अब ये जो प्लूरल है ये कैंसिल, ये प्लूरल कैंसिल, या तो इज होगा या तो वॉज होगा। रेफरेंस चेक कर लीजिए, करेंटली मैंने अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है, प्रेजेंट के रेफरेंस में बात की जा रही है, इसलिए आंसर होगा इज। यदि पास्ट के रेफरेंस में बात की जाती तो हमारा आंसर होता वॉज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग, अगला देखिए इनोसेंस, प्लेफुलनेस, जैसे बच्चों में होता है ना इनोसेंस, बच्चे जो बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, वो उनका जो शरारत होता है, बदमाशी होता है, वो इंटेंशनल नहीं होता, बल्कि वो इनोसेंस में किया गया प्लेफुलनेस होता है, बदमाशी होता है, नॉटीनेस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इनोसेंस और ये प्लेफुलनेस दोनों एंड से कनेक्टेड हैं और आर्टिकल का यूज सिर्फ पहले वाले के साथ किया गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। तो चले जरा इसका ऑप्शन हम लोग देख ले, पहले इसको मानना था हम लोगों को सिंगुलर,
अब ये देखिए, चाइल्ड एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्या है, प्लूरल, तो ये कैंसिल हो गया। और चाइल्ड एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो गया। चाइल्ड डज एग्जिस्ट, ये हो सकता है। और जो ऑप्शन गिवन था वो क्या था, चाइल्ड एग्जिस्ट, मतलब ये जो ऑप्शन पहले से गिवन है ये ऑलरेडी करेक्ट है, क्योंकि चाइल्ड कैसा है, सिंगुलर है, और ये वर्ब कैसा चाहिए था, सिंगुलर। तो हमें मुख्य रूप से इस वर्ब से मतलब था, और ये वर्ब उसके अकॉर्डिंग है, द इनोसेंस एंड प्लेफुलनेस के अकॉर्डिंग, तो वो सिंगुलर सेंस को एक्सप्रेस करता है, वर्ब चाहिए था सिंगुलर। और ये देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा हुआ है, दैट इज ये वर्ब के फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है हमेशा और हमेशा सिंगुलर। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब यहाँ से फिर आगे निकलते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा अगला रूल क्या था। ये देखिए, अगला रूल है हमारा ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसको भी हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद हम लोग इस रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को इधर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले अब हम लोग बोर्ड की तरफ, और आइए यहाँ पे हम लोग इनको सीखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, जो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो चार वर्ड हैं ये हमेशा होते हैं सिंगुलर। कैसे होते हैं सिंगुलर, देखिए, ईच, एवरी, ईदर या आइदर, फिर इसको पढ़ते हैं हम लोग नीदर या नाइदर। ठीक है, तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इन चारों के चारों को हम लोग मानते हैं सिंगुलर, और तब इस कंडीशन में इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है सब का सब लिखा जाता है सिंगुलर। ठीक है, तो इनके बाद यदि कोई सब्जेक्ट आए, क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोले तो यहाँ जो नाउन या प्रोनाउन आएगा ये कैसा लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा सिंगुलर। कैसा लिखा जाएगा, सिंगुलर लिखा जाएगा। और तब इस कंडीशन में इनके बाद यहाँ जो वर्ब यूज किया जाएगा, ये वर्ब भी कैसा लिखा जाएगा, तो ये वर्ब भी लिखा जाएगा सिंगुलर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि इनको एंड से और से कनेक्ट किया जाए, कॉमा से कनेक्ट किया जाए, किसी दूसरे कंजक्शन का यूज़ करके कनेक्ट किया जाए, तो भी इनके बाद आने वाला वर्ब लिखा जाएगा सिंगुलर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, चलिए इसको लिख लिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ईच बॉय इज गुड, ठीक, बात समझ में आ रही है। तो ये ईच कैसा है, सिंगुलर, इसलिए ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, सिंगुलर, ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर, करेक्ट हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम आपको ये बता रहे थे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये जो चारों होते हैं इनको यदि आपस में एंड से कनेक्ट किया जाए, और से कनेक्ट किया जाए, या किसी और दूसरे कंजक्शन का यूज़ करके इनको आपस में कनेक्ट करने का यूज़ किया जाए, तो भी इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब सब का सब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ईच एंड एवरी गर्ल इज ब्यूटिफुल, इज ब्यूटिफुल। अब यहाँ देखिए, ये ईच और ये एवरी दोनों को एंड से कनेक्ट कर दिया गया, फिर भी देखिए हम यहाँ गर्ल लिखते हैं, गर्ल्स नहीं लिखते, और यहाँ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, वर्ब का यूज भी प्लूरल नहीं कर सकते। ये दोनों ही सेक्शन कैसा है, सिंगुलर है, और आगे भी सिंगुलर ही रहेगा। अब एक और कंडीशन इनका समझ लें हम लोग, जैसे ये देखिए, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज गुड। अब देखिए, इस कंडीशन में तो कम से कम आप में से कुछ लोगों को लगता ही है कि सर इस कंडीशन में तो वर्ब कम से कम होना चाहिए था प्लूरल। ठीक है, इसको समझिए जरा, ये देखिए ईच है, ईच के बाद बॉय, ईच, एवरी, इधर, इधर, इन सब के बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब सबका सब कैसा रहता है, तो सबका सब होता है सिंगुलर। यहाँ देखिए बॉय सिंगुलर है, इस एवरी के बाद देखिए ये गर्ल सिंगुलर है, लेकिन चूंकि कम से कम एक लड़की होगी, एक लड़का भी होगा, इस तरीके के सेंस में यदि हम लोग ब्रोकन लैंग्वेज में समझने का प्रयास करें, तो वन प्लस वन एंड का मतलब होता है और, ये एक प्रकार से कंजक्शन में प्लस का काम करता है, इंग्लिश में प्लस का काम करता है, तो वन प्लस वन अब कम से कम हो गए टू। इस केस में कम आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे एरर करते हैं और इसको आर बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक अब आपको नहीं करनी है। यही हम समझाना चाह रहे थे कि ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब सभी परिस्थितियों में लिखा जाता है सिंगुलर।
ठीक है। लेकिन अब इनका कंडीशन हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे जो हम लोगों को आगे पढ़ना है। फिलहाल हम लोग इसको थोड़ा सा यहीं पे समझने का प्रयास करते हैं। अगला इनका कॉन्सेप्ट है कि ये जो ईच एवरी इधर नीदर है, ईच एवरी इधर और नीदर, इधर और नीदर, ये जो चारों के चारों हैं इनमें से किसी के बाद यदि यहाँ पे हम लोग ऑफ का यूज़ कर ले तो ऑफ के बाद अब यहाँ पे जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा, जो भी यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा ये लिखा जाता है प्लूरल। कैसा लिखा जाता है? प्लूरल, बट द वर्ब विल बी स्टिल सिंगुलर। वर्ब अभी भी कैसा रहेगा? तो वर्ब अभी भी लिखा जाएगा सिंगुलर। इस बात को ठीक से समझने का प्रयास कीजिए, इसमें फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और आप में से कुछ बच्चे यहाँ पे एरर करते हैं। तो इनको ठीक से हम लोग समझने का प्रयास करें। ये चारों के चारों डिस्ट्रीब्यूटिव हैं, ईच एवरी इधर नीदर, और इनके तुरंत बाद यदि ऑफ दिखाई दे तो ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, दैट इज जो सब्जेक्ट होगा, ये हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल। इसके इस सेक्शन में एरर पूछा जाता है, इसके इस सेक्शन में एरर पूछा जाता है और इस सेक्शन में भी एरर पूछा जाता है। तो चूंकि चर्चा हम लोग कर रहे हैं सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, तो अभी हमारा प्राइम कंसर्न इधर होगा, ठीक है। यदि हम लोग प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन में यहाँ पे भी एरर आता है, सबसे ज़्यादा प्रोनाउन में यहीं पे एरर आता है। या यदि यहाँ पे ये इन दोनों सेक्शन में कोई एरर नहीं दिया गया हो तो फिर इसके आगे के सेक्शन में पॉसेसिव एडजेक्टिव में प्रोनाउन में आपसे एरर पूछा जाता है। वो एरर हम लोग सीखते हैं प्रोनाउन के टॉपिक में, ठीक है। ये बात समझ में आई? जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, नीदर ऑफ द टू बॉयज, नीदर ऑफ द टू बॉयज हैव डन इट। अब आप इस सेंटेंस में यहाँ पे ठीक से ध्यान से इनको समझने का प्रयास करें। यहाँ देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीदर, नीदर के बाद ये क्या दिखाई दे रहा है, ऑफ, ऑफ के बाद देखिए ये प्लूरल है या नहीं है, तो ये प्लूरल है। अब यहाँ पे वर्ब कैसा चाहिए था? तो हम सबों का एक कॉमन नेचर है, माइंडसेट है, ये वर्ब है तो हाँ है, अच्छा इसके पहले क्या लिखा है, प्लूरल, अच्छा तो ये प्लूरल, तो इसको बना दे प्लूरल। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हैव लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बना देंगे, यहाँ बनाना होगा हैज। क्लियर, ये बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग एरर सॉल्व करते हैं। तो आइए अब इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए। तो इन क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये देखिए नीदर ऑफ दिखाई दिया, नीदर ऑफ के बाद ये देखिए प्लूरल है, रोड क्या है, नाउन है, और ये कैसा है, प्लूरल है। अब वर्ब हमें कैसा चाहिए, सिंगुलर, तो लीडिंग होगा नहीं, लेड होगा नहीं, लेड क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, ये कैंसिल हो गया। लीड क्या है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म कैसा होता है, प्लूरल होता है। ये क्या है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, अच्छा तो यही हमारा आंसर हो गया, दैट इज हमारा आंसर बनेगा लीड्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले में चलते हैं हम लोग, एवरी मैन एंड वोमैन, फिर से यहाँ देखिए एवरी लग गया, एवरी के बाद मैन और वोमैन दोनों का यूज कर लिया गया इन अ फैमिली, अब वर्ब यहाँ पे कैसा आएगा, सिंगुलर। तो सबसे पहले जितने प्लूरल ऑप्शन है कैंसिल, अब या तो हैज या तो इज। अब सेंटेंस को पढ़ के देखिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग, तो हैज का यूज नहीं होगा यहाँ पे, क्या यूज हो जाएगा, इज, हैज कैंसिल हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे ईच ऑफ लगा हुआ, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले, तो प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, प्ले की जगह क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलिए हम लोग, एवरी बूस, एवरी के बाद देखिए बूस झाड़ी, एंड एवरी ट्री, देखिए वहाँ भी एवरी, एवरी प्लस नाउन, यहाँ भी एवरी प्लस नाउन, दोनों को एंड से कनेक्ट कर लिया गया, इसके बावजूद हमारा वर्ब कैसा रहेगा, सिंगुलर। तो वर्ब की जगह क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की जगह यूज़ करेंगे हम लोग वॉज का। क्लियर है। नेक्स्ट अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे के कुछ रूल्स की तरफ, अगले रूल को हम लोग पढ़ने का और सीखने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला रूल देखिए फिर से आपके सामने दिख रहा है, इधर और नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो आइए अब इस रूल को हम लोग सीखते हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है।
और इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नीचे लगा हुआ है, ठीक है। तो स्लाइड को यहीं पे फिक्स कर देते हैं और हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड में अपने पेज को आगे की ओर बढ़ाते हैं और अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे कंजक्शन जो पेयर में यूज किए जाते हैं, जैसे हम लोग बचपन से जानते हैं आइदर और या इधर और, नाइदर नॉर, या इसी को हमें से कुछ लोग नीदर नॉर भी बोलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसे कंजक्शन को हम लोग कहते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन? को रिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। तो जो जोड़े में आते हैं कंजक्शन, इसको हम लोग कहते हैं को रिलेटिव कंजक्शन। को रिलेटिव कंजक्शन ऐसा कंजक्शन होता है जो दो समान पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को ज्वाइन करता है। मतलब ठीक से समझिए, जैसे हम एक ऐसे एंड की चर्चा कर लें, तो आप बचपन से जानते हैं हम लोग यहाँ लिखते आए मोहन एंड सोहन, ठीक है। अब ये सोहन क्या है? नाउन है। मोहन क्या है? नाउन है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए, ये एंड क्या था? कंजक्शन है। ये क्या था? कंजक्शन। इस कंजक्शन के पहले यहाँ पे क्या है? नाउन है। बाद में भी क्या है? नाउन है। अर्थात कि ये ऐसा कंजक्शन था या है जो दो समान पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को जोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। अब नाउन की जगह यहाँ प्रोनाउन आ सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कि ये ऐसे पार्ट्स ऑफ ए स्पीच है जिनके पहले यदि वर्ब हो तो बाद में भी वर्ब होगा, पहले वाले के साथ वर्ब तो दूसरे वाले के साथ वर्ब, पहले वाले के साथ प्रेपोजिशन तो दूसरे वाले के साथ प्रेपोजिशन। बात समझ में आ रही है? पहले वाले के साथ एडजेक्टिव तो दूसरे वाले के साथ भी क्या आता है? एडजेक्टिव ही आता है। बात समझ में आई? तो ये ऐसे कंजक्शन होते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और फिर इसको बैकिंग कर लें, इसको थोड़ा हम लोग इरेज कर लें। ऐसा ही कुछ कंजक्शन है जो मोस्ट कॉमनली आपके एग्जाम में दिखाई पड़ता है, उनमें से एक ये है, ये इधर, इसके साथ इसका पेयर यूज किया जाता है, और फिर ठीक इसी तरीके से ये नाइदर, नाइदर के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? नॉर का यूज करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम लोग यूज करते हैं नॉट ओनली, नॉट ओनली तो फिर इधर क्या यूज करते हैं? इधर यूज करते हैं बट ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि ये इधर के बाद और, नाइदर के बाद नॉर, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है। अब एरर कहाँ पे पूछा जाता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करें। तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि ये पेयर आपको याद होना चाहिए कि किसके साथ क्या आता है, कम से कम ये तीनों ही याद होने चाहिए। अब तीनों में आपको कॉमनली देखने को क्या मिला? आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, और नॉट ओनली के साथ आपको बट ऑल्सो देखने को मिला था। तो इनके पहले वाले सेक्शन में, वर्ब के सेक्शन में, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के सेक्शन में कोई एरर क्रिएट नहीं होता। एरर कहाँ पे क्रिएट होता है, इसको समझिए। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो भी पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में यदि हम आते हैं, तो बात करें कि यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के क्वेश्चन में आपको इस टाइप के वर्ड दिखाई देते हैं, इनके तुरंत बाद यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल होगा, दैट इज जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा, इस प्लेस पे जो भी सब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, दैट इज कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज किया जाएगा। इस बात को फिर से समझिए, ठीक से समझिए। कोई भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा हो, देन द वर्ब विल एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। तो जो वर्ब होगा वो एग्री करेगा सेकेंड वाले सब्जेक्ट से। किसे एग्री करेगा? सेकेंड वाले सब्जेक्ट से। बात समझ में आ रही है? वर्ब विल एग्री विद द सेकेंड सब्जेक्ट। तो और के पहले, नॉर के पहले, बट ऑल्सो के पहले जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान देना है और, नॉर या बट ऑल्सो के तुरंत बाद जो सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब को रखेंगे। तो ये यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल, और ये यदि सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर। बात समझ में आई? इसी के अकॉर्डिंग वो वर्ब एग्री करेगा, क्लियर। तो आइए अब इन रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग
प्रैक्टिस करें, सीखें, ताकि आपको ग्रामर में जो बार बार चीज़ों को रटने की ज़रूरत होती है, आपको जो कॉन्सेप्ट याद नहीं होता, ये प्रॉब्लम हमारे साथ ना हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखें और इनको फटाफट हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, और तो और के पहले क्या लिखा है हमें कोई मतलब नहीं, और के बाद यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, हरप्रीत। अब हरप्रीत कैसा है, सिंगुलर है, तो वो अब कैसा लेगा, सिंगुलर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब या तो इज होगा या तो हैज होगा। सेंटेंस को पढ़िए, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा, आंसर क्या मिल गया, इज। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहले बोर्ड को क्लीन किया जाए। यहाँ देखें हम लोग इस सेंटेंस में, ये फिर से देखिए, ये नीदर, सिवन्या और नॉर, तो नॉर के पहले क्या लिखा है, भूल जाइए, ये क्या मिला, हर फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए हर फ्रेंड्स के साथ, ये हर फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पे वो कैसा है, सिंगुलर, तो फ्रेंड कैसा है, प्लूरल है, तो चूंकि नॉर के बाद इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए यहाँ जो वर्ब होगा वो कैसा लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा प्लूरल। तो यहाँ इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लें, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे आर में। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर, अब ये देखिए क्या है, नॉर, तो नॉर के पहले क्या लिखा है, भूल जाइए, नॉर के बाद क्या लिखा, टीचर्स, टीचर्स कैसे हैं, प्लूरल। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पर टेक में ए सी एस नहीं लगेगा, क्योंकि ए सी एस लगाने से वो बन जाता है सिंगुलर, वर्ब में ए सी एस लगा के बनाते हैं सिंगुलर, वर्ब का ए सी एस हटा दें, दैट इज वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चला जाए, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म माना जाता है प्लूरल। ठीक है, तो अब ये करेक्ट हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री के आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। बोर्ड को एक बार फिर से क्लीन करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाइदर द माउस नॉर द रैबिट, ये देखिए नॉर, नॉर के बाद क्या मिला, रैबिट, रैबिट कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, वॉज का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर फाइव में, फिर से देखिए आपको दिखाई दिया नॉर, नॉर के बाद क्या, वाटर, वाटर क्या, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर, वर्ब लेगा सिंगुलर, तो यहाँ ये जो वर लगा हुआ है इस वर को किस में कन्वर्ट करना होगा, वॉज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं कुछ और रूल्स की तरफ। देखिए हमारा अगला रूल क्या था, तो ये पहला रूल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इस पहले रूल के बाद आते हैं रूल नंबर 20 की तरफ। रूल नंबर 20 हमारा क्या है, तो ये थोड़ी देर पहले हम लोग ईच, एवरी, इधर निधर देख रहे थे, अब इन चारों की बात हम नहीं करते, अब हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ईच की। तो अब ये ईच का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए इसको भी हम लोग समझना शुरू करते हैं। इनका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पे यदि आपको ईच लिखा हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट और वर्ब कैसा होता है, सबका सब होता है सिंगुलर, ये हम लोगों ने पहले ही सीख लिया है। तो अब क्या सीखना है भाई, अब हम लोगों को ये सीखना है कि यदि ईच के पहले, किसके पहले, यदि ईच के ठीक पहले यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन आना चाहे, नाउन या प्रोनाउन आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन ये कैसा रहेगा, तो इसका कंडीशन है इसको रहना होगा प्लूरल। ठीक है, और तब इस कंडीशन में इसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा, ये वर्ब अब ईच, एवरी, इधर नीदर के अकॉर्डिंग नहीं होता, बल्कि ये एग्री करता है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस कंडीशन में ये हो जाता है डमी, कैसा हो जाता है, डमी हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है, अब दादागिरी इसकी नहीं चलती, अब इसकी पहचान होती है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चूंकि ये रहेगा प्लूरल, इसलिए ये वर्ब भी रहेगा प्लूरल। ये एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस रूल पे बेस्ड भी आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम में से ज़्यादातर लोग इसमें बार बार एरर कर बैठते हैं, क्योंकि अपना एक हैबिट बन जाता है ईच, एवरी, मतलब सब कुछ सिंगुलर, यहाँ पे सिंगुलर नहीं होता। ठीक है, तो इसको समझते चलिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। दे Each have a new car. अब यहां पे देखे आपको ईच दिखाई दिया, ईच के पहले ये जो प्रोनाउन है ये कैसा है, तो ये है प्लूरल। अब चूंकि ये है प्लूरल, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब यूज किया जाएगा प्लूरल, जबकि हम में से कई लोग इसको यहाँ पे हैव देखते हैं
तुरंत से हैज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। तो आइए इस रूल पे बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है इस टाइप के क्वेश्चन में, कैसे हम लोग इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें हम लोग, ईच वॉन्ट्स देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ईच वॉन्ट्स, तो ये ईच एवरी इधर इधर है, इसके बाद ये वर्ब आ रहा है तो वर्ब है सिंगुलर, इसकी कहानी ठीक है। द पावर ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट विल बी रुइंड, इसमें कहीं कोई एरर नहीं है, तो इसका आंसर बन गया नो एरर। हाँ, इसमें यदि एरर क्रिएट करना हो तो ऐसे, यहाँ देखिए ईच, ईच के पहले क्या है पर्संस, अब ये पर्संस कैसे है प्लूरल, तो ईच के पहले यदि कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो हमेशा और हमेशा रहेगा प्लूरल, और उस कंडीशन में उसके बाद आने वाला वर्ब भी लिखा जाएगा प्लूरल। तो ये पर्सन तो हो गया प्लूरल, अब यहाँ पे देखिए वर्ब है, इसको लिखा गया सिंगुलर डज, तो डज में से क्या करें इसका ईएस हम लोग रिमूव कर दें, अब ये बन गया करेक्ट। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर टू की बात करें तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन नंबर थ्री में चले, फिर से देखिए यहाँ क्या दिखाई दिया ईच, ईच के पहले क्या लिखा है फिल्म्स, अब ईच के पहले जो भी नाउन आएगा वो कैसा हो गया प्लूरल, प्लूरल है वो अब कैसा लिखा प्लूरल, ये देखिए कैसा लिखा हुआ गेट, गेट भी कैसा है प्लूरल, तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नो एरर। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए क्या लिखा हुआ, वी ईच वॉन्ट्स टू, यहाँ देखिए ईच है, ईच के पहले वी, वी कैसा है प्लूरल है, वो अब कैसा लिखा प्लूरल, तो क्या करें इस वॉन्ट में जो इस लगा इसको हम लोग सिंपली रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पहले बोर्ड को क्लीन कर लें, अब चलते हैं फिर से हम लोग देखें अगला हमारा रूल क्या है, नेक्स्ट रूल क्या है। रूल नंबर 20 तक हम लोग समझ चुके हैं, अब आगे आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है और इससे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको भी हम लोग समझते चलें। अब यहाँ से रूल नंबर 22 तक हम लोग एक ही साथ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने आपको पहले से बता रखा है थोड़ा सा, एक रूल जो एनी या वन का था, हमने आपको बताया था कि एनी या वन है, इसके बाद यदि यहाँ पे ऑफ आए, ऑफ के बाद यहाँ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है ये ऑलवेज एंड ऑलवेज रहेगा प्लूरल, और यदि इसके बाद यहाँ पे हु, विच या दैट का प्रयोग किया जाए, हु विच या दैट का प्रयोग किया जाए, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और तब इसके बाद यहाँ जो वर्ब आएगा ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग एग्री करता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने चूंकि एनी या वन के रेफरेंस में समझा था, अब इस रेफरेंस को हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे। अब हम लोग क्या सीखेंगे भाई, तो अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे का रूल सीखेंगे। देखिए अब कैसे सीखना है, हु, विच, दैट, हु, विच, दैट, सामान्य तौर पे इन्हीं का यूज़ आपको दिखाई देता है, यहाँ पे whom का यूज़ भी कभी कभी दिखाई देगा, whose का यूज़ भी कभी कभी दिखाई देगा, और जितने भी डब्ल्यू एच इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं वो सब के सब काम करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। इस बात को ठीक से आप समझिए। अब आपके एग्ज़ाम में जो दिखाई देता है वो ये तीन ही सबसे ज़्यादा यूज होते हुए दिखाई देते हैं, बाकी सब बड़े रेयर केस में आते हैं, तो जो दिखाई देते हैं हम लोग उसको ज़्यादा फोकस कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट अभी जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे ये कॉन्सेप्ट सारे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ अप्लाई होता है। अब देखिए इसके तुरंत पहले यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है 99% केस में, 99% केस में, न कि 100% केस में, क्योंकि एंटीसीडेंट हम लोग उसको कहते हैं जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, जिसके लिए डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो एंटीसीडेंट होता है ये हमेशा इस डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव वर्ड के तुरंत पहले है, ऐसा नहीं होता, कभी कभी थोड़ी दूर पे भी आता है, बट 99% केस में आप देखेंगे, मैक्सिमम चांसेस में आप देखेंगे कि इन रिलेटिव प्रोनाउंस के तुरंत पहले यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ किया गया आपको दिखाई पड़ता है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है।
तो ये जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है हु विच दैट, इनमें से कोई भी हो, इनके तुरंत पहले यदि कहीं भी कोई भी आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे तो इस कंडीशन में इनके बाद यहाँ जो आने वाला वर्ब होता है ये वर्ब एग्री करता है इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग। ये एग्री करेगा, तो ये जो वर्ब है ये वर्ब एग्री करेगा इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये एग्री करेगा। दैट इज कि यहां जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाएगा ये यदि प्लूरल होगा देन द वर्ब विल बी प्लूरल, और ये यदि सिंगुलर होगा, ये कैसा होगा, ये यदि सिंगुलर होगा देन द वर्ब विल बी सिंगुलर, तो ये वर्ब भी कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, ठीक है। बातें समझ में आ रही है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले स्लाइड की तरफ ही, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम लोगों को मिलेगा स्लाइड में ही, क्योंकि यहाँ पे आपको इस पैटर्न पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और जब एक से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या दिखाई दिया, तो ये आपको दिखाई दिया दैट, दैट के पहले देखिए द प्रिंसिपल इंडिकेटेड दैट द इश्यू ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन कॉलेज वर हाई, ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन ही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आपको डाउट कहाँ पे होगा, तो इस वर्ब में यहाँ वॉज रखा जाए या वर रखा जाए, तो हमने आपको पहले से बता रखा है सब्जेक्ट को पहचानने का टेक्निक क्या है, वर्ब के साथ आप यूज कीजिए हु या वॉट। वॉट वर हाई इन द वॉट वर हाई इन हिज लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज, तो आंसर क्या मिला, क्वालिटी ऑफ टीचिंग। क्वालिटी ऑफ टीचिंग में देखिए ये क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के पहले ये देखिए ये क्या है, नाउन है, ये भी क्या है, नाउन है, ठीक है, और दोनों नाम कैसे हैं, अलग अलग है। तो यदि किसी प्रेपोजिशन के पहले और बाद में दोनों जगहों पे नाउन आए, दोनों नाउन अलग अलग हो, देन द वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट वन, तो ये क्वालिटी कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, तो इसमें वर्ब की जगह यूज करेंगे हम लोग वॉज का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए हु के पहले क्या लिखा है, दे, यानी क्या है, ये प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब आ गया, तो यही हमने आपको सिखाया था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी WH इंटरोगेटिव वर्ड हो बेसिकली हु विच दैट ही आपको दिखाई देता है, इसके पहले यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन आए और यहाँ पे कोई वर्ब आए तो इसी को हम लोग मान लेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, और ये जो वर्ब है ये वर्ब एग्री करता है इसके अकॉर्डिंग, तो ये सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर, ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ से आगे निकलते हैं हम लोग, तो अब देखिए ये दे कैसा है, प्लूरल, तो यहाँ वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल, तो ये वर्ब ऑलरेडी है प्लूरल, तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं बना, इसका आंसर बना हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टू में कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है नो एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए फिर से ये क्या मिला, हु के पहले इधर देखिए क्या लिखा हुआ, माई विलेज, ठीक है, विल बी एबल टू क्योर योर डिजीज। अब जरा देखिए फिर यदि आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसके साथ अटैच कर दीजिए, किसके साथ अटैच करेंगे, तो इस विल, हु विल बी एबल टू क्योर योर डिजीज, तो आंसर क्या मिला, डॉक्टर। अब यहाँ देखिए इस हु WH इंटरोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी WH इंटरोगेटिव वर्ड जो यहाँ पे काम कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन का, इसका यूज किसके लिए हुआ, इस डॉक्टर के लिए, डॉक्टर कैसा है, सिंगुलर, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर, यहाँ क्या लगा हुआ, मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब लगा हुआ है, और जो मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ समान रूप से किया जाता है, ठीक है, बात समझ में आ गई, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें कोई एरर दिखाई नहीं पड़ता है, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इसको क्लीन किया जाए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, इट इज़ आई हु, ये देखिए हु के पहले क्या है, आई, अब आई के साथ इज का यूज़ किया गया, तो यहाँ जो वर्ब यूज़ किया जाएगा किसके अकॉर्डिंग होगा, आई के अकॉर्डिंग, तो आई के साथ इज, एम, आर तीनों में से किसका यूज होता है, तो हम लोग यूज़ करेंगे एम का, ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं, फिर से वही बात, आई हु डैश, तो आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम, आगे दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर क्या बन गया, ऑप्शन नंबर ए, एम।
क्लियर है? तो आशा करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए हमारा अगला रूल क्या है, तो देखिए हमारा अगला रूल क्या है, कलेक्टिव नाउन प्लस वर्ब। अब ये क्या होता है और इस पे किस टाइप के कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए जैसे हम लोग ग्रेप्स की चर्चा करें, की चर्चा करें, चाबी है। अब ये ग्रुप में हो सकता है, तो ग्रेप्स हो या की हो, इसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोला करते हैं बंच, बोलते हैं बंच, बोलते हैं अब बंच ऑफ की, अब बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, इस बात को ठीक से समझिए, यही हम लोगों को पढ़ना है। इस कंडीशन में यहाँ जो वर्ब आएगा, इस वर्ब का क्या होगा, तो कंडीशन है कि ये जो नाउन है इसके पहले यहाँ जो भी कलेक्टिव नाउन का वर्ड यूज किया जाएगा उस कलेक्टिव नाउन के अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब होगा। दैट इज़ कि ये कलेक्टिव नाउन यदि सिंगुलर होगा तो ये वर्ब सिंगुलर होगा, ये कलेक्टिव नाउन यदि प्लूरल होगा तो ये वर्ब हमारा प्लूरल होगा। एक एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज हियर। ठीक है, दूसरा मैनी बंचेज ऑफ पीस आर हैंगिंग हियर। अब आप जरा सेंटेंस को ठीक से देखिए और इसमें हम लोग एरर फाइंड करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे इसमें होता है, इस ग्रेप्स से, इस कीज से हमें कोई मतलब नहीं होता है, जबकि कॉमन माइंडसेट का यूज़ किया जाए, आपके इमोशन का यूज़ किया जाए तो आप यहाँ पे इज को बना देंगे आर। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे कि ये आर का पार्ट करेक्ट है, क्यों, क्योंकि यहाँ कीज लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है। क्या करना है और कैसे करना है इसको हम लोग देखिए यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए ये कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इस कलेक्टिव नाउन के पहले देखिए यहाँ क्या लगा हुआ है, ए एन लगा है, दैट इज़ ये इस कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर होने का सेंस एक्सप्रेस कर रहा है। कितना कलेक्शन है भाई, सिंगल कलेक्शन है, सिंगल एंटिटी का कलेक्शन है। ठीक है, तो चूंकि ये सिंगुलर का सेंस एक्सप्रेस कर रहा है इसलिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस वर्ब को रखते हैं और ये वर्ब रहेगा सिंगुलर। अब नीचे वाले में देखिए मेनी बंचेज, बंच में देखिए एस लगा हुआ, ये हो गया प्लूरल, कैसा हो गया, ये हो गया प्लूरल। अब चूंकि ये जो कलेक्टिव नाउन है ये खुद हो गया प्लूरल, इसलिए इसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब रहेगा और इसीलिए ये वर्ब है यहाँ पे प्लूरल। बात समझ में आई? तो आइए इनके भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने अभी अभी इस कॉन्सेप्ट को जो सीखा इसका यूज हम लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करें। ये देखिए काउज है, काउज का जो कलेक्टिव नाउन है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ग्रुप ऑफ काउज को हम लोग क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं। हर्ड कैसा है, हर्ड के पहले देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ किया गया, दैट इज ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। तो वर्ब कैंसिल हो गया, आर कैंसिल हो गया। ठीक है, वर्ब कैंसिल हो गया और आर कैंसिल हो गया। अब या तो इज होगा या तो वॉज होगा। ग्रेजिंग इन द फील्ड, अ हर्ड ऑफ काउज वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, दोनों का दोनों सही है। इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा इज। ठीक है, नेक्स्ट द ज्यूरी, और यहाँ भी ज्यूरी और यहाँ भी ज्यूरी है। ठीक है, यहाँ गया कमेटी। अब चलिए जरा इसको हम लोग समझ लें। अब बंच ऑफ कीज, देखिए अभी ऐसा ही एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, अ बंच यानी कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसा आएगा, तो यहाँ पे वर्ब आ जाएगा सिंगुलर, आर को करना होगा इज। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को थोड़ा सा अलग से हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, आइए इनको भी हम लोग समझते हैं, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनका कॉन्सेप्ट कैसा होता है। देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो आपस में कभी यूनाइटेड होते हैं, कभी आपस में डिवाइडेड होते हैं, कभी आपस में यूनाइटेड होते हैं और कभी आपस में डिवाइडेड होते हैं।
बात को समझ में आई नहीं आपको? जैसे गवर्नमेंट है, कमिटी है, पार्लियामेंट है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जो कभी आपस में यूनाइटेड होते हैं और कभी आपस में डिवाइडेड होते हैं। जैसे पार्लियामेंट की बात कर लीजिए, संसद भवन की बात कर लीजिए, लोकसभा राज्यसभा की बात कर लीजिए, तो जैसे मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की बात हो, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान युद्ध की बात हो, पाकिस्तान ने कोई गलती कर दी हो, तो आप देखेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है और उस सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों के सभी लीडर्स एक स्वर से एक ही बात पर सहमत होते हैं। सभी लोग एक ही बात कहते हैं, भारत को पाकिस्तान के ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अब जरा देखिए, इसी युद्ध के मामले में पूरे टीम, पार्लियामेंट में जितने भी पार्टियां हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के सांसद हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, सब आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, उसी पार्लियामेंट में जब महिला रिजर्वेशन की बात होती है, ठीक है, तो वही देखिएगा कि कई खेमों में बंट जाता है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, हम इसके सपोर्ट में हैं, कुछ कहते हैं हम इसके अगेंस्ट में हैं, और कुछ लोग निर्दलीय टाइप से बिहेव करते हैं, चुपचाप संसद भवन से वॉकआउट कर जाते हैं, पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं, लोकसभा हो राज्यसभा हो वहाँ से चुपचाप वो एग्जिट मार लेते हैं। मतलब हाँ हुआ, फेवर में हुआ तो भी हम उसके सपोर्ट में थे, और कैंसिल हो गया तो भी हम उसके सपोर्ट में थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कुछ मुद्दों पे लेके कुछ लोग आपस में यूनाइटेड होते हैं और आपस में कभी डिवाइडेड हो जाते हैं। यही काम होता है ज्यूरी का। ज्यूरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस। और ग्रुप ऑफ जजेस आप याद कीजिए, जैसे अभी जो राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, इस पर फैसला बहुत पहले भी एक बार आया था अलाहाबाद हाई कोर्ट का, और वहाँ पे जो ज्यूरी बने थे उसमें 3 जजेस थे, ठीक है, और तीनों का जजमेंट अलग अलग था। एक का था राम मंदिर के फेवर में, एक का था राम मंदिर के अगेंस्ट में, और जो तीसरा था उसने कहा कि जो सीता रसोईया स्टैंडिंग उस समय जहाँ कहीं भी था, उसके एक साइड राम मंदिर बनेगा, दूसरे साइड बाबरी मस्जिद बनेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब जो ग्रुप ऑफ जजेस थे, जो ज्यूरी थी, वो आपस में डिवाइड हो गई। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको, ठीक है, ना कि मंदिर और मस्जिद समझाना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से जो कमेटी होता है, जो गवर्नमेंट होता है, जो अलायंस होता है, जैसे अभी आप देख लीजिए जो किसान बिल आया था, न्यू फार्म बिल जो आया था, ठीक है, जिसको लेके पंजाब हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बहुत बड़े संख्या में किसान थे, वो धरना प्रदर्शन लगभग एक साल या एक साल से ज़्यादा समय तक से करते आ रहे थे, ठीक है। अब मोदी जी ने उसको कैंसिल कर दिया। अब जरा देखिए, जब ये किसान बिल आया था तो कम से कम जो रूलिंग पार्टी, जो बीजेपी या बीजेपी की अलायंस थी, वो सब उसके सपोर्ट में रही होगी, ठीक है, तभी तो वो बिल पास हुआ। अब बाद में क्या है कि बीजेपी के अलायंस तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के अंदर के बीजेपी पार्टी के कई मेंबर्स, कई नेता खुद उसका अपोज करने लगे। रीजन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। अब जरा देखिए, जो गवर्नमेंट थी या जो अलायंस था, आप जिस किसी भी लेवल पर बात करें, तो जब बिल आई उस समय ये लोग आपस में यूनाइटेड थे, और जब धरना प्रदर्शन किसानों का चलने लगा तो ये लोग आपस में डिवाइडेड हो गए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, जो कभी आपस में बंट जाते हैं और कभी आपस में यूनाइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कलेक्टिव नाउन जब आपस में यूनाइटेड होते हैं तो इसी को मानते हैं सिंगुलर, और इनके साथ वर्ब यूज करते हैं सिंगुलर, और ऐसे कलेक्टिव नाउन जब आपस में डिवाइडेड होते हैं तो इसी को मानते हैं प्लूरल, वर्ब देते हैं प्लूरल। अब आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखें, यहाँ देखें ये डिवाइडेड है, और यहाँ देखें प्रोनाउंस्ड इट्स डिसीजन, इट्स यानी सिंगुलर होने का सेंस एक्सप्रेस कर रहा है। यहाँ पे देखें कमिटी, और देखिए फिर से यहाँ पे इंडिकेशन है कि इस कमिटी को हमें कैसा मानना है, सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर मानना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हैव को करेंगे हम लोग हैज़, को क्या कर देंगे, हैज़ कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखें इट्स, यानी ये फिर से सिंगुलर होने का सेंस एक्सप्रेस कर रहा है, तो या तो हैज़ होगा या तो वॉज होगा, वर और हैव कैंसिल होगा। द ज्यूरी प्रोनाउंस्ड इट्स डिसीजन, तो हैज प्रोनाउंस्ड का यूज करें ज़्यादा बेहतर है, चूंकि सेंटेंस एक्टिव है, पैसिव में इसको नहीं रखा जा सकता, ठीक है।
तो सेंटेंस का आंसर क्या बना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैज। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा क्या बनेगा, चूंकि यहाँ पर डिवाइडेड और ये देखिए देयर यानी दे का पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये, उसका दे का पॉसेसिव केस है ये। अब चूंकि देयर ये प्लूरल होने का सेंस एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए जितने भी सिंगुलर ऑप्शन है ये सारे कैंसिल हो गए, या तो वर होगा या तो हैव होगा। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर व्यूज, द ज्यूरी हैव डिवाइडेड, खुद से डिवाइड नहीं किया, वो बटा हुआ था, मतलब कोई दूसरा बता रहा है। ठीक है, मतलब ये बटने का काम खुद से नहीं कर रहा है। आंसर बनेगा हमारा बी, द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर व्यूज, जो ज्यूरी था वो आपस में अपने विचारों में बटा हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ तक था हम लोग का आज का क्लास। तो आज के अपने इस क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, इसके आगे की चीज़ों को हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, दैट इज सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे। तो यदि आप में से किसी का पीछे का कोई भी सेशन छूट गया हो तो उसको ज़रूर आप लोग रिवाइज करें, उसको ज़रूर देखें। और चूंकि ये सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और दूसरों से भी करवाएं। ठीक है, थैंक यू।